ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान के बच्चों को संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टता संपूर्णता की पहचान है। बाबा सबको संतुष्ट करते थे और स्वयं तो ईश्वरीय प्राप्तियों से सदा ही संतुष्ट थे। हम फॉलो फादर करें, हमारे चेहरे पर संतुष्टता की झलक होनी चाहिए। संतुष्टता और प्रसन्नता हमारी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। अगर हम भगवान को पाकर भी संतुष्ट नहीं रहते तो सोचो भला और क्या पाकर हम संतुष्ट रहेंगे। और ये भी याद रखना चाहिए, जो मनुष्य भगवान को पाकर संतुष्ट न हुआ वो कोई पदार्थ वस्तु वैभव धन संपदा पाकर कभी संतुष्ट नहीं होगा। और अब की असंतुष्टता द्वापर युग से भी असंतुष्टता का अनुभव कराएगी। चाहे कुछ भी हमारे पास होगा, हम सदा असंतुष्टता की अग्नि में जलते रहेंगे, दूसरों को देखकर असंतुष्ट होते रहेंगे। इसलिए अपनी नेचर बनाएं, जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना पहली चीज यही है। भले ही हम आगे बढ़ें, इसका अर्थ ये नहीं होता संतुष्ट रहना माना प्रोग्रेस न करना, प्रमोशन न लेना, बिजनेस को न बढ़ाना, पढ़ाई न करना। नहीं, हम सब कुछ करें, जीवन में जो जरूरी है वो सब करते रहें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमारी नेचर पूर्णतया संतुष्ट रहने की हो। जो हमारे पास है उसमें भी हम संतुष्ट, और जो हमें मिल गया है उसमें भी हम संतुष्ट। कभी कभी क्या होता है, एक मनुष्य बहुत ऊंचा टारगेट बनाता है लेकिन अगर वो प्राप्त नहीं होता तो वो बहुत निराश हो जाता है, संपूर्ण रूप से जीवन से ही असंतुष्ट हो जाता है, निराश हो जाता है। ये गलत बात है। जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है, इसमें यदि हम छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट होते रहेंगे तो हमारी शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। याद रखना है, हमारी संतुष्टता का प्रकाश सारे संसार में फैलता है और संतुष्ट मणियां प्रभु को बहुत प्रिय हैं। अब हम वस्तुएं लेकर खुश होना चाहते हैं या भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, उसके प्रिय बन जाएं तो वो हमें भरपूर कर देता है। इसलिए आज सारा दिन हम संतुष्ट रहेंगे, दूसरों के व्यवहार से भी संतुष्ट, कर्मों से भी संतुष्ट, अपनी मेहनत से भी संतुष्ट, जहां हम रहते हैं उससे भी संतुष्ट, जो कुछ भोजन हमें खाने को मिलता है उससे भी संतुष्ट, जो पहनने को मिलता है उसमें भी संतुष्ट। कभी कभी कंपैरिजन करने की नेचर मनुष्य को असंतुष्ट कर देती है, लेकिन हमें कंपैरिजन नहीं करना है। आज ये धारणा हम बहुत पक्की करें, हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। हमारे पास जो कुछ है वो बहुत अच्छा है, हमारा पार्ट जो है वो बहुत बहुत सुंदर है। अपने पार्ट को एंजॉय करें, अपनी प्राप्तियों को एंजॉय करें, अपनी सूखी रोटी को एंजॉय करें, दूसरे की घी लगी रोटी को देखकर अपनी सूखी रोटी का आनंद गंवा न दें। तो आज सारा दिन बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, पहुंचेंगे सूक्ष्म लोक में, बाबा के साथ बाप दादा के साथ डांस करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, दृष्टि लेंगे। और फिर देखो बाबा कहता है, बच्चे परम धाम में चलो, वो तुम्हारे परम पिता ज्ञान सूर्य उसकी किरणों के नीचे बैठ जाओ। और हम पहुंच जाते हैं वहां, फिर वहां से वापिस बुलाता है बाबा और कहता है, जाओ नीचे, वो तुम्हारा शरीर, उसमें प्रवेश करो। और मैं आत्मा उड़कर उसमें प्रवेश कर लेती हूँ, भ्रकुटी सिंहासन पर चमक रही हूँ। फिर वापिस, और इस तरह
फिर बाबा कहता है जाओ परम धाम सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे। फिर मैं वहां चली जाती हूँ। कुछ देर बैठने के बाद बाबा कहता है वापिस, और मैं वापिस सूक्ष्म लोक में। फिर कहता है जाओ वो तुम्हारा शरीर नीचे उसमें प्रवेश करो। मैं फिर उसमें प्रवेश कर लेती हूँ और फिर वापिस। ये बहुत अच्छा खेल हो जाएगा। योग को इस तरह हम मनोरंजन बनाएंगे, खेल बनाएंगे और सारे दिन का आनंद लेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।